अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। तो गाइस, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते रहें। आज जो रिएक्शन लेके आया हूँ ये है कोई रू पोश ओएसटी जियो का, ये भी ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा का पता नहीं क्या है, ये भी मुझे अभी तो जियो इंटरटेनमेंट लग रहा है, तो ओएसटी तो मतलब किसी ड्रामे का ही होगा। तो ये वीडियो है हारून खदवानी और किंजा हाशमी। ठीक है, उनके कोई पता नहीं क्या चक्कर है, तो मैं वीडियो देखेंगे, कहना चाहूँगा फुल रिएक्शन आपको मेरा इसका फेसबुक पेज पर ही मिलेगा। मेरा पुराना चैनल इसकी वजह से बंद हुआ था, तो मैं नहीं चाहता मेरे चैनल पे कोई भी इशू आए दोबारा, तो इसलिए ये सारी वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं रूल्स ब्रेकर्स ऑफिशियल। तो आए मिलकर देखते हैं ये, फिर करेंगे इसके बारे में बात, तो स्टार्ट करते हैं अब। ओके जनाब, तो मैं बात कर लूँ, एक बात तो ये कि कोई बुरा ना मनाए, लेकिन मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको लग रहा है ये फिरोज़ खान की और दानिश तैमूर की कोई कॉपी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा ना मनाए कोई, भाई किसी को ये पसंद है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, ये मुझे कहीं ना फिरोज़ खान की लुक दे रहा है, उसके जैसे एक्टिंग टाइप हो ये, और एक्टिंग में थोड़ा सा ये दानिश तैमूर की तरह भी लग रहा है मुझे। कंफर्म नहीं है, लेकिन कमेंट में आप लोगों ने बताना क्या मैंने सच कहा कि झूठ कहा। बाकी बात करूं ओएसटी की, तो ओएसटी मुझे अच्छा लगा ओएसटी, लेकिन काश ये सिंगर अगर चेंज होता तो शायद इसकी आवाज़ में कोई और पावर होती तो और मज़ा आता, लेकिन हो सकता है भाई इनको अच्छा लगा हो तो इसलिए इन्होंने रख लिया। उसके अलावा बात की जाए तो जनाब जो ड्रामा है वो यही हो सकता है, अभी तो जो जिस तरह से इस ओएसटी में हैगा, इसको किसी से मोहब्बत होती है, उसकी शादी हो जाती है और ये पीछे मजनू बन के घूमेगा, यही सीन हो सकता है ड्रामे का भी। मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है। लेकिन ड्रामा है कि ओनली ऑन जियो टीवी लिखा हुआ, तो मतलब ये ड्रामा ही है, तो आपको जनाब ये देख लिया हुआ है कि आ गया हुआ है या क्या चक्कर, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अच्छा था, मज़े वाला लग रहा थोड़ा सा, लेकिन इसकी ये मुझे फिरोज़ की लुक दे रहा है यार। मैं सीधा बात बोलूँगा, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, सीधी बात करता हूँ, फिरोज़ खान की लुक दे रहा है ये मुझे, और दानिश की कुछ एक्टिंग टाइप कुछ ऐसा, दोनों की मिक्सिंग कर लो तो ये निकलेगा। ठीक है, तो ये चलो ओके हो गया, बाकी अच्छा लगा मुझे, मज़ा ओएसटी में उसके लिरिक्स में मज़ा था, आवाज़ में बंदे की मज़ा नहीं लगा मुझे, लेकिन लिरिक्स की आवाज़ लिरिक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा था। अगर आप ये चाहते हैं इसका फुल रिएक्शन देखना तो आपको मेरे फेसबुक पेज पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लें रूल ब्रेकर तो ऑफिशियल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फुल रिएक्शन नहीं होगा, चैनल बंदा नहीं करवाना मैंने दोबारा अपना। ठीक है ना, मिलूंगा अगली वीडियोज़ में, अपने भाई को हमेशा दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।